के बाएं छोर पर, यानी मैदान की यह है युवराज एफसी की टीम। दोनों ही टीमों की परिचय हो चुकी है और मैच की पहली सीटी की मैच की पहली की कौन सीटी आती हुई रेफरी की। मैं इस वक्त अजीत कुमार पान और हमारे साथ है हमारे साथी श्री राजेंद्र कर्मा जी। राजेंद्र कर्मा जी, यहाँ पूरी तरह से आरंभ हो चुकी है और दोनों ही दलों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। क्या मैच की पहलापन, क्या मैच की रुख, यहाँ क्या कुछ अलग दिखा पाएगी। मुकाबला बड़ा भी और सबसे कड़ा भी, दर्शक मुकाबला बड़ा और मुकाबला कड़ा। फाइनल जैसे मैच अनोबल बड़े और कड़े मैच के तौर पर जाने जाते हैं। आसिफ फिलहाल तो पहली ट्राई यहां पर करी गई थी 100 पर एफसी कासिदी की ओर से, लेकिन गेंद कहीं ना कहीं वहां पर सर्विस किक जरा जाएगी। पहली दोहरा एफसी पिछले साल की खट्टी मीठी यादों को पुनः एक बार सजोकर फाइनल मैच जैसे बड़े मैच में टीम प्रवेश करी है। दुर्राज राकेश की तरफ आता हुआ आम यहां पर जरूर आया है और उन्हें रोकने में कामयाब होते हुए स्किलफुल खिलाड़ी गोपी सर। यहां काफी चर्चा हुई है अजय जी सोशल मीडिया में भी कि आज पूर्णिया के इस धरती पर क्या भिड़ेंगे राकेश सर वर्सेस राकेश गोप वर्सेस गोपी सर। आखिरकार वो लम्हा आ गई, बिल्कुल वो लम्हा आ चुकी है यहां। और फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा ये युवराज एफसी की टीम पिछले साल की चैंपियन टीम थी, एक और चैंपियन फिर से एक बार बनने की गौरव हासिल करने की तमाम कोशिशें राजेंद्र और एक और नई चैंपियन बनने की एड़ी चोटी की कोशिश यहां करेगी सोलिंग सॉकर की टीम। अपराजित प्रीति अपनाने की कोशिश, हार न माने फिलहाल तो अच्छी सेट पीस कॉपी के द्वारा आई थी लेकिन गेंद बेहद ऊपर चली गई, कोई नतीजा नहीं वहां। गोलकीपर चाचा परखा फिर गेंद को छोड़ा, वहां किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी टीम के जबरदस्त होनहार खिलाड़ी सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी फिर वास्तव इस वक्त जर्सी नंबर 12 की पोशाक में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी और आज उनका बोल वाला यहां पर चलना चाहिए सोलिंग सोकर एफसी टीम के दृष्टिकोण से। क्या वो चलेंगे या उन्हें रोकने में कामयाबी को हासिल करेंगे दुबराज एफसी के डिफेंडर्स। जी हां, और मैं याद दिला दूं राजन जो 2022 एक ऐसी सौगात लेकर आई, इस 2022 के सत्र में अंडर 17 महिला वर्ग की फीफा वर्ल्ड कप भी खेली गई और अब जो फीफा वर्ल्ड कप की फुटबॉल भी खेला जा रहा है, ये 2022 एक यादगार और इतिहास साक्षी बनेगी। और इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष जो हीरो इंडियन आईएसएल मैच होती है और वो भी मैच खेला जा रहा है, तो तमाम खिलाड़ी जो यहां तक पहुंचे हैं कहीं ना कहीं आईएसएल मैच की तमाम मैचेस को देखने के बाद वहां की रूपरेखा खेलने की जो तकनीक है उनको यहां पर फॉलो करी जा रही है और कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड क्लास के फुटबॉल यानी फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है कतर में, तो तमाम मैचेस को देखकर कुछ ना कुछ अपनी झोली में डालते हुए फिलहाल तो यहां मौका बनेगा फिर सरदार गेंद तक पहुंचने में सफल। क्या बॉल पोजिशन पर आते हैं, जी नहीं फिरवा के लिए गेंद और फिरवा ने यहां पर सटीक किक जरना जरूर चाह लेकिन इस बार पहली ट्राई थी फिरवा सोई की ओर से और फिरवा की पहली ट्राई में फ्लॉप साबित होते हुए। बिल्कुल आप मिलवा की अगर बात कहें राजन तो इस बंदे की क्या कहें, ये पीरवा सोए जर्सी नंबर 12 जो माथे पर बाल तो नहीं है लेकिन क्या करसमाई अंदाज में उन्होंने फुटबॉल खेला है और
गजब की हेयर स्टाइल तो नहीं कहेंगे क्योंकि माथे पर बाल ही नहीं है, जस्ट लाइक मी, मेरे जैसा। लेकिन ये पीरवा सोए अपने टीम के लिए सर्वाधिक स्कोरर करे हुए वो मंझे हुए खिलाड़ी है। बिल्कुल, ये अपने टीम के लिए सर्वाधिक गोल पिरोए हैं और यही वजह है कि टीम आज बेहतरीन गोल लेवरेज के कारण डायरेक्ट फाइनल में क्वालिफाई करी है, वायर सेमीफाइनल मैच को खेले। हर एक खिलाड़ी को यहां पर अपनी पूरी विजोर रिदम यहां पर छोड़ना होगा ताकि 30,000 रुपए की जो बीच में एक बड़ी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अगर आप मेंटेन करना चाहेंगे यकीनन 1,00,000 रुपए सीमित विनर टीम को आज मिलेगी एबीसी पुरुनिया की ओर से। फिलहाल तो गेंद तिरुआ और अच्छी पास फिर से तिरुआ को ढूंढने की कोशिश, गेंद दक्षिणी दिशा के दर्शक दीर्घा के सामने। भाई गेंद थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ा देंगे। फिलहाल राकेश को आगे में अच्छी पास बिल्कुल गली के पास और ये सुनील दागिल राकेश दास की बेहतरीन कोशिश सुनील दागिल के लिए और राकेश की एक असिस्ट और सुनील दागिल की पहला गोल, लाजवाब गोल। वाह, मैच में गोल करने का जो आनंद कुछ अलग होता है इसे कहते हैं अनुभव। अब क्या कमाल का कॉम्बिनेशन राकेश प्लस सुनील दागिल की यहां पर, वाकई ये देखते ही बनती है। इस गोल को यकीनन बार बार रिप्ले किया जाएगा। हम वो रिप्ले अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा पिंचू बोतरा संजय एंड हरीश और ये राजेश टूडू कहे या फुटबॉल रसिका के उस यूट्यूब चैनल पर। और याद रहे ये हाईलाइट मैच आप देख पाएंगे, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, ये तमाम यूट्यूबर मिलेंगे, आप सर्च कीजिएगा एबीसी पुरुनिया की फुटबॉल मैच। लेकिन आसानी से हार मानने वालों में से नहीं, टीम का नाम है सोलिंग सुखर एफसी काशी डी और इस प्रकार की डिफिकल्ट सिचुएशन में किस प्रकार की प्लानिंग इख्तियार करा जाना चाहिए इससे पूरी तरह से वाकिफ है तमाम खिलाड़ी। हर एक खिलाड़ी को आप देख सकते हैं, मुकेश गोप, शिवा हेम्ब्रम, गोपी सोय, रोहित मातो, वीरेंद्र सरदार, महेश सोय, दिनेश बाल सिंह और गोलकीपर नीलमोहन नायक। कमाल की टीम है, बट इस समय डिफिकल्ट सिचुएशन में एक गोल से पीछे चलती हुई टीमों की बात करें सोलिंग सकर सी काशी डी सरायकेला। फिलहाल गेंद दिनेश के पास, रन करते हुए राइट वॉक जॉन से इस वक्त दिनेश कंट्रोल, क्या गेंद को क्या यहां से अच्छी रिलीज आएगी, अच्छी क्रॉस गोपी मौजूद लेकिन डिफेंडर कोई मौका नहीं छोड़े वहां गोपी सोय के लिए और क्लियर होती हुई गेंद पुनः एक बार राकेश के पास बढ़ेंगे आगे। राकेश गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए फिलहाल तो उन्हें रोकने की कोशिश और रोकने सफल भी हुए सोलिंग सकर। फिलहाल पिरुआ और मैदान के मध्य रेखा के करीब बिल्कुल धुआं से उड़ चुकी है, वहां इतनी गजब की फुटबॉल हो रही है यहाँ एबीसी पुरुनिया के ऐतिहासिक ग्राउंड पर। और वैसे भी कहा जाता है उड़ेगी बॉल बजेगी सिटी, कम ऑन इंडिया लेट्स फुटबॉल, लेकिन यहाँ उड़ेगी धूल और बजेगी सिटी, कम ऑन इंडिया लेट्स फुटबॉल। और ये सॉन्ग कहीं ना कहीं एक अपने टक्कर बजानी भी चाहिए जब मैच की पहली हाफ समाप्त होगी। फिलहाल तो शून्य एक से पीछे सोलिन सोकर और जब विपरीत और मुश्किल और प्रतिकूल परिस्थिति पर हो तो किसी ना किसी एक खिलाड़ी को फिर से एक बार इस मैच के नायक का रोल या किरदार निभाना पड़ेगा। और कौन सा वो नायक बनेंगे, क्या गोपी सोय बनेंगे या पिरुआ सोय, ये देखना अभी भी शेष है। और इस मैच में अगर बने रहना है तो किसी ना किसी एक खिलाड़ी को यहाँ नायक का रोल निभाना ही पड़ेगा। अगर अजीत यहाँ मैच में वापसी हुई तो मैं तो यही कहूंगा वो नायक नहीं और नायक से भी बढ़कर वो महान नायक होंगे। और यहाँ हेडर मिस करते हुए वीरेंद्र सरदार, चाहिए अपील जरूर करा जा रहा है लेकिन सटीकता यहाँ पर दिखाते हुए मैच रेफरी। और गेंद चली गई कॉर्नर के लिए,
से अलग अलग दिशा से यहाँ गेंद रिलीज हो रही है कॉर्नर आर्क से। यहाँ पर बढ़िया एकदम बढ़िया डिसीजन लेते हुए और यह दिनेश के लिए गेंद और ये डिफेंडर गेंद को क्लियर कर देंगे बिल्कुल। और लीजिए आखिरकार पहली हाफ की सीटी आती हुई रेफरी की। फिलहाल सेकेंड हाफ की मैच आरंभ करी गई है और मुख्य अतिथि के आगमन से कुछ क्षणों के लिए मैच को रोकना पड़ेगा, समय रोक दिया जाएगा जरूर। क्षमा से प्रार्थी है दर्शक साथियों क्योंकि हम मजबूरियों की उन रेडियो में बंधे हुए हैं और जिसके लिए हम बुलाए हैं हमारे बड़े मेहमान को वही उनके आगमन तो होने ही जा रही है और कुछ क्षणों के बाद कुछ क्षणों के लिए मैदान के भीतर हमारी मेहमान टीम जाएगी। सेकंड हाफ की मैच जरूर यहां पर आरंभ कर दी गई है। एक टीम इस वक्त एक गोल जड़कर अपने हो किताब को लगातार अपने झोली पर समेटने की वो निरंतर कोशिश यहां पर कर रही है और वो टीम है दुबराज एफसी। एकमात्र गोल की बढ़त यहां पर बनाई हुई है सोलिन सोपर एफसी का सिटी। मजबूत लोहे की हथौड़ा लग चुकी है सोलिन सोपर की ओर से और अपनी टीम और हमारे बीच आज की इस प्रतिस्पर्धा के अति विशिष्ट परम आदरणीय अर्जुन मुंडा जी की धर्मपत्नी जो हमारे इस प्रतिस्पर्धा के मुख्य अतिथि उनकी पवन चरणों ने भी हमारे इस मंच को पावन करने जा रहे हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है एबीसी पूर्णिया की इस धरती पर। आपने अपनी बहुमूल्य समय को निकालकर हमारे समक्ष आपकी उपस्थिति हुई है जिसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती है और ढेर सारी बधाई के साथ साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सासू स्वागत बाजार वाले भाई साहब आप चलाएंगे स्वागत मंडली ढोल नगाड़े बाजे वाले भाई साहब आप अपनी पूरी टीम के साथ मंच के समीप चले आएंगे। एक गोल की वजह से टीम सोलिक सोपर एफसी सेकंड हाफ का मैच गोइंग ऑन पोजीशन पर फिलहाल राकेश गोप के पास गेंद खतरनाक अंदाज से हो जाते हैं और क्या कमाल का स्किलफुल
ड्रिबल है और इस ड्रिबल को उन्होंने बहुत ही खराब शॉट में तब्दील किया। जितनी आसानी के साथ दो खिलाड़ियों को चकमा दिए थे राजे ने, उतनी बेहतरीन की काई नहीं वहां। भी तो हम यू कर रहे थे कि बिल्कुल साथ गेंद आएगी, लेकिन नहीं। फिलहाल तो शून्य एक से पीछे और यहां पूरी तरह से संघर्ष करती हुई, और न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है खेलने में। हर कोई कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है खेलने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। तो इस वक्त सीने में आग लगी हुई है और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट जोगी इस खेल में जो इक्वलाइजर ढूंढेगी, गोल को वापसी करेगी, उन्हें मिलेंगे 500 रुपए की नगद इनामी राशि नागेंद्र पान जी के शुभ हाथों से। 500 रुपए हमारे दलम में मंच में मंचासीन हमारे ऑफिशियल अथॉरिटी समय गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी अभी आए हमारे मंच में मंचासीन हुए आज के 5 दिवसीय टूर्नामेंट के बतौर मुख्य अतिथि मैडम मेरा मुंडा जी को। मुझे तो ये पूर्णिया अंदर पार्वती और मैं इस क्लब के संरक्षण के साथ साथ हमारे खुदपानी प्रखंड के प्रमुख महोदय श्रीमान सिद्धार्थ भोधाला जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मंच में मंचासीन आज के बतौर चीफ गेस्ट मैडम मीरा मुंडा जी को गुलदस्ता देकर आप उनका भव सम्मानित करें और आग्रह होगा यहां जोरदार तालियों के साथ इस भव स्वागत को अटेंड किया जाए। जोरदार तालियां एक सम्मान से सम्मानित करी जा रही है गुलदस्ते से। आज के बतौर मुख्य अतिथि जी को साथ ही साथ स्वागत कार्य को आगे बढ़ाते हुए बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंच मंचासीन आदरणीय श्रीमान गणेश महाली जी सर आपका पुनः एक बार स्वागत। प्रदेश के कोषाध्यक्ष सह एसटी मोर्चा के कोषाध्यक्ष भी आग्रह करना चाहेंगे टूर्नामेंट के प्रेसिडेंट श्रीमान सतीश कुमार होनहारा जी से आपके शुभ हाथों से यहाँ गुलदस्ता देकर आदरणीय गणेश महाली जी को आप सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां। साथ ही साथ मंच में मंचासीन हमारे पूर्व खरसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्रीमान मंगल सिंह सोय जी को गुलदस्ता देकर बुफे देकर सम्मानित करेंगे इस टूर्नामेंट के सेक्रेटरी महोदय श्रीमान कोकिल केसरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार यहां तालियां। एक सम्मान गुलदस्ते से इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण समय को निकालकर हमारे इस मंच पर मंचासीन हुए, उनकी पवन चरणों ने भी हमारे इस मंच को पावन किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आग्रह करना चाहेंगे सरायकेला खरसवा विजय महतो जी को
बुफे देकर सम्मानित करेंगे इस टूर्नामेंट के कोषाध्यक्ष सालू प्रधान जी। बहुत धन्यवाद सर, आप भी अपनी 20 कीमती समय को निकालकर हमारे इस मंच के प्रांगण पर उपस्थित हुए, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं अति माननीय मंचवाना चासीन हमारे पूर्व अध्यक्ष आदिवासी हो महासभा निवृत्त संगठन के आप आदरणीय सुखलाल।